जन्मतिथि है और आज के दिन माननीय आज हमारी जन्मतिथि है और आज के दिन माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की 180 योजनाओं की मार्गदर्शक पुस्तिका का हमने विमोचन रखा है, ताकि इस बुक के थकी गुजरात के सारे ही जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की माहिती पहुंचे, उनको इन योजनाओं से लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी सहायता मिले। यानी सर्किट हाउस में जो आपका मेन मकसद है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो जो शुभकारी योजना है उनका लाभ सभी लोगों को मिले, तो सर ये इसमें कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग है और कई लोग हैं जिसको जो सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, जो उनको किस प्रकार से आप सुविधा दोगे? सभी लोगों तक हम सरकारी योजना पहुंचाएंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, हमारी ऑफिस है गुजरात में 36 ऑफिस है हमारी, हमारे हजारों कार्यकर्ता गुजरात में एक्टिव है, उन लोगों तक पहुंचेंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, सरकार के साथ जो लीगल उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाएंगे और उनको जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से योजनाओं की सहायता दी जाएगी। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अपील करना चाहोगे कि किस प्रकार से जो आप जो योजनाओं का आप लोगों को गरीब जो वर्ग है मध्य वर्ग के लोग हैं उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? सरकार और माननीय वड़ा प्रधान जी आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, छोटे से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े योगदान तक सरकार आपके साथ है। आप सरकार की राजकीय योजनाएं जो है वो जानिए और उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारा संपर्क, हम आपको लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध। नाम और आपका परिचय बताएंगे? मैं ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑन मीडिया काउंसिल, मीडिया इंचार्ज, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान। सर जिस प्रकार से आज सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, सर इसमें किस विषय पर आज अहम मुद्दा क्या रहेगा और किस विषय पर आपने चर्चा कहेंगे? सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान गुजरात प्रदेश अध्यक्ष विराज सिंह राजपूत वाड़िया का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। एक जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 साल, एक युवा चेहरा जो प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर चल रहा है और अकेले दम पे इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो सबसे पहले मैं इनको खूब खूब बधाई दे रहा हूँ। और जो आज का आयोजन है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से हमने एक स्मारिका का प्रकाशन किया है जिसका विमोचन होने वाला था, लेकिन गोवर्धन भाई किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके जगह पे हमारे यहाँ अमराईवाड़ी विधानसभा के MLA आ रहे हैं जगदीश पटेल जी, उनके हाथों से हम करवाएंगे। साथ में जो योजनाएं हैं ये जो सरकारी योजनाएं हैं वो 150 पेज की है, जो लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी इसको हमने 48 पेज में टोटल किया है, जो जन जन तक पहुंचाने का ये हम काम करेंगे कि जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है वो लोगों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से हमने आज का आयोजन आयोजित किया है। तो लोगों तक आप किस तरीके से इस योजना को पहुंचाएंगे? आप भली बात जानते हो कि आज सरकारी योजनाओं के लिए हमारे ज्ञानेंद्र जी विश्वकर्मा ने आज एक पुस्तिका विमोचन हाथ से करवाया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस बात पे उसने फोकस किया, नहीं तो जर्नलिस्टों में अलग टाइप का काम रहता है। आज मैं पहला प्रसंग देख रहा हूँ कि कोई पत्रकार जगत ये योजनाओं को अपने गरीब में से गरीब जो बहुत ही BPL कक्षा के लोग हैं उनको उसका फायदा मिले, उसके लिए ये योजना जो नीचे तक ले जाने के लिए आज वो पुस्तिका अनावरण किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कुछ प्रयास है। अगर अच्छा आप एक विधायक के तौर पर आप किस तरह से प्रयत्न करेंगे कि लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ पहुंचे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं जिस इलाके में से आता हूँ, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अमराईवाड़ी, आप लोगों को पता होगा कि ये लघु भारत है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी अमराईवाड़ी विधानसभा है एक लघु भारत है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और मेरे वहां एक ऐप भी है। मेरी जो ऑफिस है वो ऑफिस के अंदर 24/7, आपको ऐसा लगेगा कि 24/7 थोड़ी हो सकता है, तो हाँ 24/7 365 डेज, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। मेरे वहां कंट्रोल रूम बना हुआ है, कोई भी योजना के लिए अगर कोई मैसेज करता है, कोई SMS करता है या टेलीफोन कांटेक्ट करता है तो उसी टाइम उसको ये योजना की जानकारी मिलती है और पेपर वर्क डॉक्यूमेंट से लेकर उसको एग्जीक्यूशन तक हम
लोग उनका हम मेरे कार्यकर्ता पार्टी उसको हम सहयोग करते हैं।